ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्णयजुर्वेदीय कठोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसके प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली लगभग आखिरी में चल रहा है। ये बताए कि यह जो परमात्मा है सभी प्राणियों में गूढ़ है, छिपा हुआ है। कैसे कौन जान पाएगा? सूक्ष्मदर्शी लोग, जिन्होंने सूक्ष्म दर्शन का अभ्यास किया है। और वो कैसे जान पाएंगे? अग्रा, जो तीव्र बुद्धि है, एकाग्र है, तत्वाभिमुख है, सूक्ष्म है, शुद्ध है, ऐसी जो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही वो जानते हैं। तो ये सब बताया गया। और फिर उसकी प्रतिपत्ति का उपाय क्या है? यक्षेद वांग मनसी प्राज्ञस्तद यक्षेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि। ये प्राज्ञ जो विवेकी पुरुष है, वाणी के द्वारा उपलक्षित सभी इंद्रियों को मन में विलीन कर दे, उपसंहार करे। और तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, यानी मन का केवल, देखो वाणी के, इन सभी इंद्रियों के व्यापार केवल मन का व्यापार रह गया। अब मन के व्यापार को भी अगर नहीं शांत किए तो इंद्रियों का व्यापार तो होगा ही, ये परस्पर एक दूसरे के पूरक है। इसलिए जो है सम के बाद भी दम की आवश्यकता होती है, ये तो आप लोग जानते हैं, दोनों परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए उसको भी निश्चय आत्मिका बुद्धि में विलीन कर दे, बुद्धि को भी समष्टि बुद्धि में विलीन करे, और उसको साक्षी आत्मा में, मैं साक्षी स्वरूप हूँ, मैं दृश्य वर्ग नहीं हूँ, ऐसा निश्चय कर लेना। यही निश्चय, इस निश्चय करके इसी का चिंतन करना, यही साक्षी आत्मा में विलय है। तो इस तरह से बता दिए। अब सारे साधन मालूम हो लेकिन व्यक्ति करे ना तो कोई लाभ नहीं होता। दवाई सब रखी हो लेकिन अगर आदमी खाए ना तो बीमारी कहाँ से दूर होगी? और ये प्रमाद करने का अभ्यास तो अनादिकाल से है, इसलिए बार बार जो है श्रुति, भगवती, महापुरुष लोग और सभी आचार्य लोग जो है जोर से, जोर दे करके मुमुक्षु को कहते हैं भाई ऐसा करो, बिल्कुल लापरवाही मत करो। यहाँ भी देखिए श्रुति भगवती सभी मुमुक्षुओं को डांट रही है। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को डांटता, अरे क्या जो है अभी तक सोया हुआ है, उठो चलो, इस तरह से इस मंत्र में डांटेगी सबको। तो अब देखिए टीका हम पहले यहाँ देख लीजिए, पहले भाष्य थोड़ा सा अवतरण है फिर आगे। क्रमेण एवं विषय दोष दर्शनेन अभ्यासेन च, क्रम से इस प्रकार से, पेज नंबर 79 चल रहा है, क्रम से इस प्रकार से, टीका में पहले, क्रम से इस प्रकार से विषय दोष दर्शनेन अभ्यासेन च, विषय में दोष दर्शन और अभ्यास, विषय में दोष दर्शन करो और आत्मा को जो है इस तरह सूक्ष्मता के क्रम से उस आत्मा में लगाइए, इसको अंतःकरण को जो है वहाँ पे लगाइए, बुद्धि को वहाँ उसमें लगा दीजिए। तो विषय दोष दर्शन और अभ्यास के द्वारा
बाह्यकरण अंतःकरण व्यापार प्रविलापने सति, बाह्य इंद्रिय और अंतःकरण इन सब के व्यापार का प्रविलापन किए जाने पर। तो जैसा जब प्रविलापन कर देंगे तो इससे क्या मिलेगा? प्रविलापन कर्तुः कः पुरुषार्थः सिद्ध्यति, जो सभी इंद्रियों को विलीन कर देने वाला है उसको कौन से पुरुषार्थ की सिद्धि होगी, क्या पुरुषार्थ मिलेगा? इत्यतः ऐसी आशा आकांक्षा होने पर बता रहे एवं पुरुष इत्यादि ने। भाष्य में देखिए अंतिम पंक्ति 79 पेज, एवं पुरुषे आत्मनि सर्वं प्रविलाप्य। इस तरह से पुरुष में, पुरुष यानी आत्मा जो सभी पुरों में शरीरों में शयन करने वाला है, उसमें सबका प्रविलापन क्रम से, पहले इंद्रिय को मन में, मन से को बुद्धि में, बुद्धि को समष्टि में, समष्टि को साक्षी आत्मा में विलापन करके नाम रूप कर्मत्रय, नाम रूप कर्मात्मा के जो जगत है, इसमें कुछ जगत में कुछ नाम है, कुछ रूप है, कुछ क्रिया है, तो नाम रूप कर्मात्मा कर्मत्रयम, नाम रूप जो कर्मत्रय है, कर्मत्रयात्मक जगत है, यद मिथ्या ज्ञान विजृंभितम, जो मिथ्या ज्ञान के द्वारा फैलाया विस्तारित हुआ है, बढ़ाया गया है, मिथ्या ज्ञान के द्वारा विजृंभित हुआ है, क्रियाकारक फल लक्षणम, क्रियाकारक फल सर, इसमें कुछ क्रिया रूप है, कुछ कारक है, कुछ फल है, जैसे गमन क्रिया करना हो तो गमन क्रिया करने वाला आदमी हो गया वो कर्ता, अब किस साधन से गमन करेगा वो करण हो गया, जहाँ पे जाएगा वो गंतव्य कर्म हो गया, और जहाँ से विश्लेष हो जाएगा वह यहाँ से वहाँ चले गया तो इसकी अपादान संज्ञा हो गई। इस तरह से वहाँ पहुँच गया, वहाँ स्थिर हो गया, वो अधिकरण हो गया, फिर जहाँ स्थिर हो, तो मतलब क्या है वैसे, तो ये जो गमन क्रिया है, कोई भी क्रिया है उसमें कोई न कोई कारक रहेगा, कुछ क्रिया का फल होगा, क्रिया का फल, गमन क्रिया का फल क्या है? ग्राम जो स्थान का गंतव्य का संयोग हो जाना, वो जगह पे आप पहुँच जाओ। तो ये जो जगत है क्रियाकारक फल रूपी जगत, नाम रूप कर्म कर्मात्मक है, नाम रूप कर्मत्रय है जिसमें, और जो मिथ्या ज्ञान के द्वारा फैलाया हुआ है, इसको जो है कैसे विलीन करना है, कैसे जगत की समाप्ति हो, तो बोलते हैं स्वात्म याथात्म ज्ञानेन, अपनी जो स्वरूप है उसके याथात्म ज्ञान के द्वारा। स्वरूप तो अभी भी हम जान रहे हैं लेकिन मिला जुला करके जान रहे, शरीर आदि से विशिष्ट अपने आप को जानते, कोई भी आदमी है छोटे बच्चे से लेके एकदम बूढ़े आदमी तक, सब अपने आप को शरीर से मिला करके ही व्यवहार कर रहे। वृद्ध हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वृद्ध होने मात्र से ही बहुत विवेकी हो गए, विवेकी बालक भी हो सकता है और अविवेकी वृद्ध भी है, हो सकते हैं, बहुत ही है। इसलिए तो जब तक आत्म याथात्म ज्ञान नहीं होगा तब तक इन सब का विलय नहीं होगा। इसलिए आत्म याथात्म ज्ञाने न, स्वात्म याथात्म ज्ञाने न, अपने स्वात्म यानी हमारा जो स्वरूप है उसका याथात्म यथार्थ रूपता का ज्ञान, यथार्थ स्वरूप के ज्ञान के द्वारा मरीचुदक रज्जु सर्प गगन मलानी व मरीचि रज्जु गगन स्वरूप दर्शने नैव स्वस्थ। जैसे मरीचि यानी सूर्य की किरणों में जल दिख रहा था, बाद में जाके वहाँ देखा जल नहीं है, वो समझ गया कि तो किरणें ही दिख रही थी। उदक मरीचि, उदक को मरीचि, और रज्जु सर्प, उसको रज्जु स्वरूप जब देखेंगे तभी हम भ्रांति मिटेगी, और गगन मलानी, गगनमल, गगन में तलमल दिख रहा है, गगन आकाश बहुत गंदा दिख रहा है, नीले उल्टे कड़ाह कटाह के समान दिख रहा है, तो हम यही जब जानेंगे नहीं आकाश में ऐसी कोई आकार, ऐसा कोई आकार नहीं, आकाश में कोई मल नहीं, मलिनता नहीं है, नीलिमा नहीं है। तीन सब को जैसे मरीचि उदक रज्जु सर्प गगन मलानी व, इनको कैसे जान करके, मरीचि, मरीचि उदक को क्या जानना है, मरीचि रूप,
रज्जु सर्प को क्या जाना है, रज्जु का स्वरूप, रज्जु स्वरूप। गगन मल को क्या, गगन स्वरूप, गगन स्वरूप। इन सब के यथार्थ दर्शन से जैसे उन भ्रांतियों का विलय होता है। मरीची को जान लिए तो मरीची उदक का विलय हो गया, रज्जु को जान लिए तो रज्जु सर्प का विलय हो गया, गगन के स्वरूप को जाने तो गगन के तल मल आदि मलिनता जो है सब मालूम पड़े। वास्तव में गगन में कोई मलिनता नहीं है, थोड़ा दिख रहा है ऐसे लेकिन है नहीं। तो जैसे वहां पे इन तीनों दृष्टांतों में उनकी जो है मरीची आदि के यथार्थ स्वरूप को जान करके उनमें जो भ्रांति से कल्पित हो रहे थे उन सभी विकल्पों का विलय हो गया। इसी प्रकार ये जो जगत है मिथ्या ज्ञान के द्वारा फैलाया हुआ है, हाँ, तो जैसे वहां पे उसके द्वारा स्वस्थ हो जाता है, इसी प्रकार आत्मस्वरूप यथात्म ज्ञान के द्वारा स्वस्थ प्रशांत आत्मा कृत कृत्यो भवति, है ना। जैसे वहां तो होते हो तो दृष्टांत दिए वो तीन, उसके समान ही यहाँ पे स्वात्म याथात्म ज्ञान के द्वारा ही स्वस्थ स्वरूपस्थ स्व यानी स्वरूप आत्मा आत्मस्थ हो जाता है, आत्मनिष्ठ हो जाता है। अभी तक तो शरीर आदि निष्ठ है, बाह्य पदार्थों में निष्ठ है, बाह्य पदार्थों में स्थित है, लेकिन अब जब इन सब पदार्थों से तादात्म्य छोड़ देगा तो स्वस्थ हो गया, आत्मस्थ हो गया, स्वरूपस्थ हो गया। प्रशांत आत्मा प्रशांत अंतःकरण वाला हो जाता है। अब उसका अंतःकरण की सारी जो है जो भाग दौड़ था, संकल्प विकल्प था, वो सब मिट गया। कृत कृत्यो, अब कुछ करना बाकी नहीं रह गया, सब प्रयोजन सिद्ध कर लिया, अब कोई प्रयोजन सिद्ध करना बाकी नहीं रहा। या तो क्योंकि ऐसा है, स्वरूप ज्ञान के द्वारा ही इन सभी विकल्पों को मिटाना है। अतस तद दर्शनार्थम, इसलिए उसके दर्शन के लिए क्या करो, अनाद्य विद्या सुप्ता प्रसुप्ता, अनादिकालीन अविद्या में जो तुम लोग सोए हुए हो, या निशा सर्वभूतानाम यस्याम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, है ना। तो जैसे वहां बताए कि जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है हमारा स्वरूप, उसमें संयमी जग जाता है, और जहां पे बाह्य व्यवहार में प्राणी लोग जग रहे हैं वहां से संयमी पुरुष बुद्धि को हटा लिया, वो उसके लिए रात्रि के समान है, उधर देखता ही नहीं, वो उधर ध्यान नहीं देता। इसलिए अनादि अविद्या में सोए हुए हे जंतुओं, हे प्राणियों, तुम लोग उठो, अज्ञान निद्रा से उठो और अपना वास्तविक जो है परमार्थ की सिद्धि कर लो। इस बात को अब पहले मंत्र देख लीजिए। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ती। 14वां मंत्र। उत्तिष्ठत जाग्रत, हे मुमुक्षु लोग, हे जंतु, हे अनादिकालीन अज्ञान निद्रा में सोए हुए जंतुओं, उत्तिष्ठता उठो, जागृत जाग जाओ। अब साधारण व्यक्ति सुनेगा, अरे क्या उल्टा बोल रहे, कैसे भांग खा के बोल रहे क्या, पहले जागते हैं फिर बाद में उठते हैं, पहले जागोगे नहीं तो बिस्तर से उठोगे क्या। अगर बिना जागे ही बिस्तर में उसे उठ गए तो समझ लो कि आपको नींद में चलने की बीमारी है, ऐसी बीमारी की बात यहाँ नहीं चल रही। लेकिन तो भी साधारण व्यक्ति सोचेगा कि बोल रहे उठो जागो, जागो उठो बोलना चाहिए, बोल रहे उठो जागो। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि अज्ञान निद्रा से उठो, स्वरूप में जाग जाओ, इस तरह से अर्थ लगेगा, नहीं तो विपरीत मालूम पड़ेगा। नहीं तो पहले जागो उठो ऐसा कहना था, लेकिन अगर उठो जागो, अज्ञान निद्रा से उठ जाओ, स्वरूप में तुम जग जाओ, स्वरूप से जो बेखबर सो रहे हो उस स्वरूप में तुम जाग जाओ। तो क्या अपनी बुद्धि से जाग लेंगे,
बोले नहीं, प्राप्य वरान निबोधता, जो श्रेष्ठ वर श्रेष्ठ जो महापुरुष लोग हैं उनको प्राप्त करके निबोधता, उनसे जो विद्या को ग्रहण करो, उनसे जानो, उनसे उस विद्या को जो है प्राप्त करो, क्योंकि ये संप्रदाय से चलने वाली विद्या है। नारायणं पद्म भवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़ पदं महांतं। देखो कैसी परंपरा है, गोविंद योगेंद्र मथास्य शिष्यं, श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं। ये क्या परंपरा है, नारायण से शुरू होकर के, नारायण से पद्म भवम ब्रह्मा जी, फिर वशिष्ठ शक्ति उनके पुत्र जो शक्ति, उनके पुत्र पराशर, फिर व्यास जी, उनके माध्यम से फिर देखो हम लोगों तक ये विद्या आई है। तो इसलिए श्रेष्ठ महापुरुषों की सन्निधि में जब से ही प्राप्त की जा सकती है, मनमाने जो है ये नहीं, संप्रदाय से चलती है विद्या, ये बिना संप्रदाय के नहीं। यहाँ संप्रदाय का, गुरु शिष्य परंपरा का बहुत महत्व है, हमारे इस परंपरा में वे गुरु का बहुत महत्व है, बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए श्रेष्ठ महापुरुषों को प्राप्त करके निबोधता, जानो नितरा निशेषेण बोधता, अच्छी तरह से तुम लोग जान लो। यहाँ निबोधता का करता होगा यूयम, तुम लोग, इसलिए संबोधन भी अध्याहार करना पड़ेगा। हे जीव लो, जंतुओं, हे मुमुक्षुओ, यूयम निबोधता, वरान प्राप्य यूयम निबोधता, श्रेष्ठ महापुरुषों की प्राप्ति करके तुम लोग जान लो, उनसे उपदेश ग्रहण करके जान लो। छुरस से बोले, ऐसी क्या बात है कि श्रेष्ठ महापुरुषों को ही प्राप्त करें, ऐसे क्यों नहीं कर सकते? बोले देखो भाई, ये जो ज्ञान का मार्ग है ना, बहुत कठिन मार्ग है। छुरस से धारा निशिता दुरत्तया, छुरे की धारा, जो नाई जो है छुरा, जिस छुरे से दाढ़ी बाल बनाता है, वो क्या उसमें क्या धार नहीं, कितनी धार रहती है, बहुत ज़्यादा पैनी रहती है, उसको भी वो पत्थर के ऊपर घिस घिस करके और भी पैना बनाते रहता है। और आजकल तो हम लोग ब्लेड से जो दाढ़ी बनाएंगे, मुंडन करेंगे, तो ब्लेड कितना जो है उतना जो है तीव्र धारा, उसका धार तेज होती है। तो छुरे की जो धारा है निशिता मतलब उसको नुकीली की हुई पत्थर पे घिस करके बहुत पैनी बना दी गई, बहुत उसकी धार अत्यंत तेज है। दुरत्तया, उसको जो है अतिक्रमण करना कठिन, उसको हाथ से भी छू दोगे तो भी हाथ कट जाएगा, जैसे ब्लेड में भी हाथ लगा दो तो हाथ कटेगा, तुरंत खून निकलने लगेगा। इसलिए बहुत दुरत्य है, उसको स्पर्श मात्र से भी अनिष्ट जो होता है, ऐसी जैसी होता है छुरे की धारा, उसके समान दुर्गम पथ है ज्ञान का मार्ग, जो है बड़ा दुर्गम पथ है छुरे की धारा पे चलने के समान है। ऐसा कौन कहता? तत्कवयो वदंती, कवि लोग, क्रांतदर्शी लोग, ज्ञानी लोग कहते हैं कि छुरे की जो धार है वो बहुत तेज है, पैनी की हुई है, जिसका अतिक्रमण, जिसपे चलना कठिन है, इस प्रकार का ये दुर्गम पथ है ज्ञान का मार्ग। इसलिए गुरु की सन्निधि में रह करके ही तुम वहां तक पहुंच सकते हो। इसलिए जो है इस प्रकार से तुम लोग श्रेष्ठ महापुरुषों को प्राप्त करके जो है उसको जान लो, उठो जागो, इस तरह से श्रुति भगवती मुमुक्षुओं को डांट रही है, जल्दी करो, प्रमाद मत करो। देख लीजिए भाष्य में, हाँ बोलिए। निबोधता आत्मने पद का लट है क्या? नहीं नहीं, परस्मे पद, ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। अच्छा, बोध बोध वैसे तो हाँ बोधता बोधते नहीं बोधता निबोधता यूयम निबोधता वो बनता है बोधता। तो बुध अवगमने धातु, बुध अवगमने तो लोट का मध्यम पुरुष, हाँ लोट का मध्यम पुरुष है।
वैसे जो हम लोगों का है वैसे बुद्ध होगा, मने बुद्ध्यति निबुद्ध्यत ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, वेद में ये गण पाठ अनित्य है, इसलिए इसका जैसे तुदादि का मानेंगे तो भी बौद्धिका ले ले तो ठीक है, बन जाएगा बोधति बोधता बोधंती। तो क्या है, वेद में जो है ना ये धातु का पाठ जो है ये कोई नित्य नहीं कि इसी या इसी गण की चलेगी। जैसे यहाँ पे करोति बनता है वेद में, करति भी बन जाता है, करति ऐसा भी बन जाता है। इसलिए वो लौकिक व्याकरण जो है उसकी पूरी गति नहीं वेद के लिए, इसलिए जगह जगह छांदस प्रयोग देखवाता है। तो निबोधे लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है, यूयम निबोधता, तुम लोग जान लो, गुरु की सन्निधि की प्राप्ति कर, सन्निधि प्राप्त करके जान लो। देख लीजिए भाष्य में तीसरी पंक्ति पेज नंबर 80। तो क्योंकि ऐसा इसलिए उसके दर्शन के लिए अनाद्य अविद्या प्रसुप्ता, अनादिकालीन अविद्या में जो तुम लोग सोए हुए हो, ऐसे तुम लोग उत्तिष्ठत उठो। किसको कह रहे उठो, हे जनता हुआ, हे प्राणियों, हे मुमुक्षु लोग, तुम लोग उठो। उठो मतलब आत्मज्ञानाभिमुखा भवत, आत्मज्ञान के अभिमुख हो जाओ, तभी जो है आत्मा की महिमा को समझ पाओ। बाहर बाहर ही घूमते रहोगे, जैसे राजा के से मिलने के लिए गए, राजा से मिलने के लिए गए और किले का चक्कर काट रहे हो, किले का चक्कर काटने से, परिक्रमा लगाने से, चारों तरफ घूमने से राजा नहीं मिलेगा। राजा को मिलना है तो फिर अंदर एंट्री करना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, येन केन प्रकारेण आपको अंदर जाना ही पड़ेगा तभी राजा मिलेंगे, बार बार नहीं मिल पाएंगे। ऐसे संसार में घूमते रहेंगे तो ये जो महाराजा है आत्मा, उनसे हम लोग बेखबर रहते हैं। इसलिए कह दिए आत्मज्ञान के अभिमुख हो जाओ। तो उठो का मतलब हो गया आत्मज्ञान के अभिमुख हो जाओ। और जागो, जागो मतलब क्या, जागृत अज्ञान निद्राया घोर रूपाया सर्वानर्थ बीज भूताया क्षयम कुरुता। हाँ, अज्ञान निद्रा जो बहुत घोर है, इतनी घोर है, इतनी जो है कठोर है, ये घोर है कि कितना जो है सांसारिक परिस्थिति, अच्छी से अच्छी सांसारिक परिस्थिति में व्यक्ति रहे, एकाएक ऐसी घटना घटेगी कि सब पूरा लगेगा अरे क्या क्या से क्या हो गया। अभी यहाँ पे जो केदारनाथ में घटना हुई थी, कितने परिवार के लोग जो है ऐसे, किसी का लड़का मर गया है, माँ जिंदा है, किसी का जो पिता जिंदा है और बाकी लोग मर गए हैं, अपने जो है आंखों के सामने पुत्र को जो है छोड़ के वहाँ से आना पड़ा, मरे हुए कोई संस्कार नहीं कर सकते, ऐसा भी है, ये सब आया था। कितना मतलब घोर रूपा है कि कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, किस क्षण में, वो कुछ भरोसा नहीं। इसलिए जो घोर, तो जो अज्ञान निद्रा है अत्यंत घोर रूपा है, सर्वानर्थ बीज भूताया, संपूर्ण अनर्थों की बीज है, इसी की वजह से पूरा अनर्थ हो रहे। जैसे कोई जो है विष का बीज हो, विष का बीज जमीन में डाल दिए, उससे अंकुर निकलेगा, पौधा होगा, उसके फल को जो भी खाएगा सब मरेगा, सब जो है बीमार पड़ेंगे, मरेंगे। ऐसे जो अविद्या सर्वानर्थ की बीज है, इसी अविद्या की वजह से सभी अनर्थ हो रहे, जन्म मरण आदि उत्पत्ति से लेकर के जितने भी अनर्थ जीवन में आ रहे हैं सब इसी की वजह से हो रहे, अज्ञान की वजह से। नहीं तो बताओ, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर आदि भाव से ऊपर उठ के स्वरूप को जान ले, अविद्या की क्या जो है हैसियत है कि आदमी को परेशान कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देती, वो सदा जो है भ्रांति की रहती है, संसार में ही लगाते रहे। इसलिए कोई व्यक्ति जब साधना के लिए आगे बढ़ने लगता है तो जो है अविद्या है, ये माया जो है बहुत विघ्न डालती है, नाना प्रकार के प्रलोभन देगी, विघ्न डालेगी,
पद का प्रलोभन, प्रतिष्ठा का प्रलोभन, नाना प्रकार के जो है ये विघ्न डालती। महात्मा लोग भी बन गए, महात्मा होने पर भी आप देखेंगे कोई महात्मा हॉस्पिटल खोल रहा है, कोई विद्यालय खोल रहे हैं, कोई कुछ चला रहा है। अब बताओ यहाँ पे आए थे कि भाई चलो आत्म विचार करेंगे, लेकिन यहाँ तो उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी ले ली है। घर में होते तो इतनी जिम्मेदारी नहीं लेते, यहाँ पे आगे और जिम्मेदारी ले ली। तो मतलब ये कुल मिला के कहा जाए तो माया जो है बहुत विघ्न डालती है। कोई साधक अगर आत्म मार्ग का पथिक है तो बहुत ज़्यादा विघ्न करेगी। अब वो विवेचन करते हुए चलेगा तभी बच पाएगा। इसलिए हम बता दिए कि जो है ये बहुत सर्वानर्थ की बीज भूत है, इसको क्षयम कुरुता, इसका क्षय करो, स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति करो तभी क्षय होगा। अज्ञान निद्रा से उठो, स्वरूप में जग जाओ, तभी इसका क्षय हो। फिर इसके लिए क्या करें? ये तो कहना ठीक है, अज्ञान निद्रा से हमें उठना है, स्वरूप में पहुंचना है। अब बताओ उसके लिए क्या मार्ग है? तो कथम, कैसे? तो इसलिए बता रहे, प्राप्य यानी उपगम्य, प्राप्त करके उनके समीप में जाके सन्निधि की प्राप्ति करके। किनकी सन्निधि? वरान, जो वर है, श्रेष्ठ है, प्रकृष्ट है, प्रकृष्टान आचार्यांश, जो प्रकृष्ट आचार्य लोग हैं, ब्रह्म विद्या के आचार्य। ऐसे नहीं कि आचार्य किसी दूसरे क्षेत्र वाले आचार्य के पास नहीं, ब्रह्म विद्या के आचार्य की प्राप्ति करके। तद विदस, उस आत्मा के जो वेत्ता लोग हैं उनकी सन्निधि की प्राप्ति करके। तद उपदिष्टम, उनके द्वारा उपदिष्ट जो तत्व है, क्या उपदेश करेंगे? सर्वांतरम आत्मानम अहम अस्मि, जो सर्वांतर आत्मा है वही मैं हूँ। मैं शरीरी नहीं हूँ, शरीरधारी नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, मैं तो जो है आत्मरूप हूँ, सर्वांतर आत्मा मैं हूँ। इस तरह से जो उनसे उपदिष्ट है उस वाक्य को, इति ये जो उपदेश किए, इति निबोधता, इसको तुम जान लो, अवगच्छता, तुम सब लोग जान लो। अवगच्छता जो लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, गच्छतु गच्छता गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छता गच्छत गच्छतम गच्छत अवगच्छत मध्यम पुरुष बहुवचन, तो निबोधता अवगच्छता, तुम सब लोग जान लो। तो यहाँ पे श्रुति इतना जोर क्यों दे रही है? इसलिए जोर दे रहे नहीं उपेक्षितव्यम, बोले उपेक्षा बिल्कुल नहीं करना। आजकल तुमने बहुत आज तक तुमने बहुत उपेक्षा की, लेकिन अब जो है वो उपेक्षा मत करो भाई, सावधान हो जाओ। नहीं उपेक्षितव्यम इति श्रुतिर अनुकंप्याः मातृवत, जैसे माता जो है सदा अपने बालक को समझाते रहती है, बेटा ऐसे करना, बेटा पुत्र ऐसे करना, इस तरह से समझाते रहती है। तो बड़ी अनुकंपा रखते हुए माता जैसे अपने पुत्र को समझाती है, उसी के समान यहाँ श्रुति अनुकंपया, बड़ी अनुकंपा करते हुए कह रहे कि देखो भाई उपेक्षा नहीं करना, बहुत तुमने उपेक्षा कर लिया, अब तो तुम तत्पर होके लगो। इतना जोर क्यों दे रही? अति सूक्ष्म बुद्धि विषयत्वात् गेयस्य, यहाँ जो गेय तत्व है अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि का विषय, ऐसा नहीं कि कुछ इधर भी मोबाइल से बात कर रहे हैं और इधर आत्मा को भी जान लेंगे। मोबाइल से बात कर रहे, नाना प्रकार के व्यवहार कर रहे, जैसे कोई वो दुकान में ग्राहक से भी बात करते रहते हैं, इधर फोन से भी बात करते रहते, नौकरों को भी बताते रहते, इधर पैसा भी निकाल के गिनते रहते, ऐसा नहीं कर पाओगे यहाँ। यहाँ तो एक ही पकड़ना पड़ेगा। इसलिए अति सूक्ष्म बुद्धि विषयत्वात् गेयस्य, यहाँ जो गेय तत्व है अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि का विषय है। सभी जगह से मन को हटा करके वहाँ केंद्रित करोगे तभी स्फुरण होगा उस स्वरूप का। इसलिए अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि का विषय होने से यहाँ श्रुति अनुकंपा करके बता रही, भाई देखो उपेक्षा मत करो। किमेव सूक्ष्म बुद्धि रीति उच्चते, बोले कैसी सूक्ष्म बुद्धि लेना है, किस प्रकार का यह ज्ञान मार्ग है, कितना सूक्ष्म है, क्या कितने खतरे रहेंगे,
इसलिए यहाँ पे थोड़ा उपमा दे करके बता रहे हैं, देखो इसमें कितना खतरा है, ऐसे यहाँ पे खतरा रहता है। छुरस्य धारा अग्रम निशिता तीक्ष्णीकृता, छुरे की जो धारा है अग्रभाग है, जैसे वह तीक्ष्ण निशित, निशित मतलब तीक्ष्ण किया गया, जो धासान पे चढ़ाते पत्थर पे घिस कर देते हैं तो बहुत तीक्ष्ण हो जाता है। दुरत्या जैसे उसका अत्यय नहीं कर, उस पर चल नहीं सकते आप, दुखे न अत्यय सा दुरत्या। इसी प्रकार ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है, कब व्यक्ति च्युत हो जाए कुछ भरोसा नहीं, सही मार्ग छोड़ करके। अरे जिनको डरना है ना, वो आज नहीं तो कल डर के भाग ही जाएंगे, समझ रहे? हाँ, ये मत समझिए, जिनका जो है बहुत धैर्य है वही चल पाएंगे कैसे इसको, जिनको चलना है कितने भी डराओ डरेंगे नहीं, वो तो समझते हैं ना। आप क्या समझ रहे, आप कितने समय से श्रवण कर रहे हो, आप तो डर नहीं रहे, आप तो और जोर 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 से पूछ रहे हैं डराने की क्या बात है, थोड़ा ये उपमा दे करके दिखा रहे हैं भाई कठिनाई है, थोड़ा सा भी असावधानी किए इधर से उधर हो गए। एक जो है एक बार दो महात्मा लोग ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठाए, एक बहुत पुराने महात्मा थे और एक नए थे, तो परिक्रमा उठा के जब चलने लगे धीरे 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 करके, वो ओमकारेश्वर से अब पहले सीधे जा रहे वहाँ पे, मतलब रेवा तीर, वो धीरे धीरे जा रहे, मतलब समुद्र की तरफ जा रहे, फिर बीच में सूल पाणी झाड़ी आई, सूल पाणी झाड़ी को पार किए, अब गुजरात आ गया। वो जो नई उम्र के महात्मा थे उनका शरीर गुजरात का ही था, तो जब एरिया आया जहाँ उनका पूरा पूर्वाश्रम का था, तो देखे अरे मैं देखो इतना गंदा कपड़ा पहन के घूम रहा है, यहाँ के लोग कितने साफ सुथरे, उनके मतलब अपने गांव की याद आ गई उधर की। तो फिर उनके मन में बोला क्या जो है साधु जीवन में, वो तो छोड़ के वहाँ से परिक्रमा ही छोड़ के चले गए, और दूसरे महात्मा तो अपना किए। तो मतलब क्या है कि जरा सा जो है व्यक्ति थोड़ा सा भी लापरवाह हो जाए तो फिर वो मार्ग से हट जाता है, उसको लगेगा अरे मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मैं इतना गाली क्यों खाऊं, मैं ऐसे क्यों करूं, यहाँ सेवा क्यों करूं, क्यों इतना जो है परेशानी करके इसके अध्ययन क्यों करूं। तो बड़ा कठिन मार्ग है इस दृष्टिकोण से, मतलब थोड़ा सा भी असावधानी, थोड़ा सा भी आपके मन में विकल्प आ गया तो फिर आप हट जाओगे यहाँ से। इसलिए मैं तो जो है बड़ा पाठ चलाते ही रहता हूँ हमेशा, अभी कई पाठ चलाता हूँ ये तो आप जानते हैं। जिस दिन जब पाठ आरंभ करता हूँ, कोई भी ए वाला ही नहीं, कोई भी पाठ, उसमें जितनी संख्या रहेगी, महीने डेढ़ महीने जाने पर आधे हो जाते अपने आप, अब बताओ क्या हो गया। तो मतलब क्या है, व्यक्ति थोड़े से कभी डर जाए, कभी उससे कोई भी कुछ विकल्प अगर है, क्या कब तक आश्रम में रहेंगे, दूसरी जगह चले गए। हाँ, इसमें आधे नहीं हुए, आधे आठ वाले पार्ट में आधे नहीं हुए, कुछ नए भी जुड़े हैं, ये भी देख लो। हाँ नहीं, इसमें तो चलो भाई क्या कर रहा हो भाई, इसमें भी कुछ गए तो है, आधे बराबर आधे हो, मतलब अगर 33 ले रहे हो 34 ले रहे हो तो उसका 17 होता है, और फिर बाद में कुछ नए भी जुड़े हैं, ऐसे मत समझिए। और अभी आगे आगे तक कब तक, अभी तो तीसरा ही उपनिषद चल रहा है, ये तो हर एक का, मैं केवल इसी की बात नहीं कर रहा हूँ राजू भाई, मैं केवल इसी की बात नहीं, मैं तो हर एक पाठ की बात कर रहा हूँ, आधे हो जाते हैं, ये मैं सामान्य जनरल जो है नियम बता रहा हूँ। हाँ जी, सब ज्ञान मार्ग के अधिकारी थोड़ी बन पाएंगे, वही वही बात है ना, बहुत है, क्योंकि थोड़ा सा भी है मन में आ गया हम ये सब क्यों सहे, तो व्यक्ति तुरंत जो है वो निकल जाए। कई बार ये महात्माओं को कई बार ये भी देखा है, बाबा जी ने भी इसका प्रतिपादन किया, ज्ञान पान पंथ कर धारा, परत क्लेश न लागई बारा।
वो तो बात है, वो बात है ना, रामायण में अभी आया हुआ है, तो इसलिए वो बहुत, यहाँ पे भी मैं देखता हूँ कभी किसी महात्माओं को डांट भी दिया ना, कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि डांटने से भी भाग जाते हैं, डांट दिया अरे जो है नाराज होके चले गए, ऐसा भी होता है, जबकि उनके भलाई के लिए डांटेंगे तो तुरंत नाराज होके पाठ में आना बंद कर देंगे, ऐसे भी होते हैं, तो इसलिए बहुत कठिन मार्ग है। तो ऐसे तो है संसार में कोई भी है कहीं कठिन है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही जो है इसमें थोड़ा सा ये बुद्धि इधर उधर हुई तो व्यक्ति जो है फिर साधना से दूर हो जाता है। इसलिए आप बताए छुरस्य धारा यानी अग्रम निशिता तीक्ष्णीकृता दुरत्तया दुखेन अत्ययस्या सा दुरत्तया, दुख बड़े दुख पूर्वक जिसका अतिक्रमण हो सकता है, छुरे की धारा पर नहीं चल सकते आप, इसी प्रकार इस मार्ग में चलना भी थोड़ा उतना कठिन ही कठिन है। दुरत्तया यथा स पदभ्याम दुर्गमनीया, जैसे छुरे की धारा को पैर से चलना गमन करना बड़ा कठिन दुर्गमनीय है, तो गमन करना बहुत कठिन है, तथा दुर्गम इसी प्रकार यह बड़ा दुर्गम दुर्गम दुर्ग रूप में दुस्संपाद्य इसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है, इस मार्ग में चल पाना कठिन है, इसलिए लोग कम होते हैं यहाँ। इत्येतत् पथ पंथानम, इस तरह से जो पथ है पंथानम है तत्व ज्ञान लक्षणम मार्गम, तत्व ज्ञान स्वरूप जो मार्ग है इसको कवयो, कवि यानी मेधावी क्रांतदर्शी ज्ञानी पुरुष, मंत्र में जो है कवय यानी मेधावी न क्रांतदर्शी ज्ञानी पुरुष, इसको इस तरह का तत्व ज्ञान लक्षण ये जो मार्ग है बड़ा दुर्गम है बहुत कठिन है ऐसा कहते हैं। तो गेयस्य अति सूक्ष्मत्वात् तद विशेष ज्ञान मार्गस्य दुःसंपाद्यत्वं वदन्ति, गेय जो है बहुत सूक्ष्म होने से तद विषयक जो ज्ञान मार्ग है इसका संपादन करना बड़ा कठिन है, दुःसंपाद्यत्वं वदन्ति इसकी प्राप्ति कर पाना बहुत कठिन इति अभिप्राय, ये तात्पर्य है। तो यहाँ पे ये तो श्रुति स्वयं कह रही, मैं अपनी तरफ से क्या कुछ बता रहा हूँ, ये तो श्रुति कह रही है तो और होता भी ऐसा, इसलिए यहाँ बता दिया। तत् कथम अति सूक्ष्मत्वम गेयस्य, हाँ जी सूक्ष्म बुद्धि और शुद्ध बुद्धि में क्या फर्क है, क्या कह रहे हैं सूक्ष्म बुद्धि और शुद्ध बुद्धि? हाँ सूक्ष्म जैसे सूक्ष्म बुद्धि तो वैज्ञानिकों का भी है किंतु पवित्र नहीं कह सकते क्योंकि वो तत्वाभिमुख नहीं है ना, कल बताया था ना तत्वाभिमुख होना चाहिए, वैज्ञानिकों की बुद्धि बहुत सूक्ष्म है लेकिन तत्वाभिमुख नहीं है, वो तो इदम को देखेंगे इदम को जानने की कोशिश करेंगे, और यहाँ तो अहम को जानना है आत्मा को जान, वहाँ तो अनात्मा की खोज करेंगे यहाँ तो आत्मा को खोजना है, इसलिए तत्वाभिमुख होना चाहिए, ये शुद्ध पद से लिया जाएगा तत्वाभिमुख होना चाहिए। चलिए देखिए तत् कथम अति सूक्ष्मत्वम गेयस्य इति उच्यते, वह जो गेय तत्व है कैसे अति सूक्ष्म है इस विषय में बताते हैं। पहले टीका में देख लीजिए, यावद यावद गुणापचयस् तावत तावत तारतम्येन सौक्ष्म्यम दृष्टम, जैसे जैसे गुणों की वृद्धि होती है वैसे वैसे तारतम्य रूप से गुणों का अपचय होता है, न्यूनता होती कमी होती, उपचय नहीं अपचय, यावद यावद गुणापचय जैसे जैसे गुण कम होते हैं उनकी न्यूनता, अपचय यानी न्यूनता लेना वृद्धि नहीं लेना, तो जैसे जैसे गुण कम होंगे वैसे वैसे तारतम्येन सौक्ष्म्यम दृष्टम पृथिव्यादिषु, वैसे वैसे तारतम्य रूप से एक के बाद एक सूक्ष्मता देखी गई है पृथ्वी आदि में, जैसे देखिए पृथ्वी में 5 गुण है तो पृथ्वी अत्यंत स्थूल है, जल में 4 गुण है जल उसकी अपेक्षा सूक्ष्म है, तेज में 3 ही गुण है, पृथ्वी में 5 गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और जल में गंध को छोड़ करके शब्द स्पर्श रूप रस, तेज में रस को भी निकाल दीजिए शब्द स्पर्श रूप वो और सूक्ष्म हो गया, वायु और तो तेज को तो हम आँख से देख सकते हैं, वायु को आँख से नहीं देख सकते, उसमें 2 ही गुण है रूप नहीं है शब्द स्पर्श, और आकाश भी जो है उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है, वायु का तो स्पर्श का ग्रहण होता है किंतु आकाश के स्पर्श का भी ग्रहण नहीं होता, आकाश में 1 ही गुण है शब्द,
तो जैसे जैसे गुणों की कमी होती जा रही, गुणों की न्यूनता हो रही है, वैसे वैसे सूक्ष्मता जो है देखी जाती है पृथ्वी जल आदि में। गुण कम होते जाएंगे, सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी। और परमात्मा तो कोई गुण ही नहीं है, बताओ कितना सूक्ष्म होंगे। परमात्मनि तो गुणानाम अत्यंताभावात्, परमात्मा में तो गुणों का अत्यंताभाव है, इसलिए निरतिशयम सूक्ष्मम सिद्धति, निरतिशय सूक्ष्मता की सिद्धि हो जाती है, वहाँ की जो सूक्ष्मता है निरतिशय है। इतिहास स्थूला तावत इत्यादि, इस बात को कह रहे स्थूला तावत। भाष्य में देखिए, स्थूला तावत यम मेदिनी, ये जो मेदिनी है वो मेदिनी, इसका नाम पड़ गया था, वो कौन सा एक राक्षस था, उसको मारे तो उसकी चर्बी जो है पूरे पृथ्वी में फैल गए, वो चर्बी ही उसका जो मेद, मेदिनी चर्बी होती है, जब भगवान ने उसको मारा तो उसका मेद जो है पूरी पृथ्वी में फैल गई, वही ठोस बन करके, वही जो घनीभूत हो करके पृथ्वी बन गई, जल ही जल था, तो राक्षस जो था उसके मेद से यानी चर्बी जो है घनीभूत हो करके पृथ्वी हो गया, इसलिए इसको कहते मेदिनी, पृथ्वी का नाम इसीलिए मेदिनी है। तो जो मेदिनी है स्थूल है, क्योंकि इसमें पांच गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंधोपचिता, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से उपचित है, वृद्धि को प्राप्त हुई, बढ़ी हुई है, स्थूलता को प्राप्त हुई है। सर्व इंद्रिय विषय भूता, ये सभी इंद्रियों का विषय है पांचों इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों गुण है, तो आप आँख से भी देख सकते हो पृथ्वी को, और पृथ्वी की जब हम लोग लड्डू आदि खाते हैं वो रस भी ले सकते हैं, इसका गंध भी ले सकते हैं ग्रहण इंद्रिय से, स्पर्श भी हम ग्रहण कर सकते हैं, रूप का तो बता दिया, शब्द को भी हम सुन सकते हैं पृथ्वी का, इसलिए सर्वेंद्रिय विषय भूता, सभी इंद्रियों की विषय है यह पृथ्वी, तथा शरीर, हम शरीर भी पार्थिव है तो शरीर भी स्थूल है। तत्रय कैक गुणापकर्षणेन, तो अब इनमें जो है एक एक गुणों का अपकर्षण होने से, गंधादीनाम सूक्ष्मत्व महत्व विशुद्धत्व नित्यत्व आदि तारतम्यम दृष्टम, एक एक गुण की कमी होने से, अब रज जल में आए तो गंध कम हो गया, तेज में गए तो रस कम हो गया, वायु में गए तो रूप कम हो गया, वह आकाश में गए तो वहाँ शब्द भी कम हो गया, तो एक एक गुण का कम अपकर्षण होने से गंधादीनाम सूक्ष्मत्व, गंधादि में सूक्ष्मता महत्व महत्व व्यापक हो जाएगा, विशुद्धत्व विशुद्ध हो जाएगा, नित्यत्व आदि तारतम्यम दृष्टम, जैसे जैसे गुण कम होंगे सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी, महत्व यानी व्यापकता बढ़ती जाएगी, विशुद्धि बढ़ती जाएगी, नित्यता बढ़ती जाएगी, ये देखा गया है। अब आदि से ये सब जल आदि में देखा गया, कब कहाँ तक, जल से लेकर के कहाँ तक, पृथ्वी सबसे स्थूल है, इसके से सूक्ष्म जल, तो अब यानी जल, अब आदिशु यावद आकाशम, आकाश पर्यंत ये देखा गया है। इति ते गंधादय, इस तरह से वे जो गंधादि गुण है वे गुण ही सर्व एव स्थूलत्वादि कारण, ये सभी सभी गुण है स्थूलत्वादि के कारण है, शब्दांता शब्द पर्यंत, गंध से लेकर के शब्द पर्यंत ये जो है गुण ये कारण है। ते जो है गंध से लेकर के शब्द पर्यंत जो गुण है, यत्र न संति, आकाश में भी बताओ एक गुण है और पृथ्वी में पांच के पांच गुण है, तो सबसे ज्यादा स्थूल है, आकाश में एक ही गुण है, इतना सूक्ष्म हो गया, तो जहां पे एक भी गुण नहीं है कि मूह तस्य सूक्ष्मत्व आदि निरतिशयत्व, उसकी सूक्ष्मता निरतिशय, सूक्ष्मता आदि निरतिशय है, इसके बारे में क्या कहना, उसकी सूक्ष्मता में कोई अतिशय नहीं, उससे बढ़ करके कोई सूक्ष्म होगा, तो जहाँ पे बिल्कुल कोई गुण ही नहीं, कितना सूक्ष्म होगा वो तत्व, कितना व्यापक होगा, कितना विशुद्ध होगा, कैसी नित्यता होगी कि कभी जो है कुछ परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो उसके विषय में क्या कहना, किमु वक्तव्यम, क्या कहना, कैमुतिक न्याय,
यही होता है कैमोतिक न्याय सिखाते हैं। जैसे बड़े पहलवान ने जब उस पत्थर को नहीं उठा पाया, छोटा बच्चा कैसे उठा लेगा, उसके बारे में क्या कहना, ये कैमोतिक न्याय। तो कैमोतिक न्याय तो उसकी सूक्ष्मता के विषय में क्या कहना। इत्येतद् दर्शयति श्रुति, इसी बात को श्रुति दिखा रही है यहाँ पे। तो वह तत्व कितना सूक्ष्म है, है ना, गे तत्व। हाँ जी बोलिए। हाँ तो इसके लिए तो व्याकरण पढ़ना पड़ेगा ना आपको, सिद्धांत कौमुदी पढ़नी पड़ेगी। वो जो है पद को पद आदेश हो जाता है, ठीक है, वो सब चीजें तो आपके उसके लिए तो गहराई से व्याकरण पढ़ोगे तब आएगा। पद को पद आदेश हो जाएगा हलंत। पद्दन्नो मास रिन्नी ससन यूसन दोसन यकय छकन उदन नासन सस प्रभृति सु, ये सूत्र है ऐसा सिद्धांत कौमुदी का। ये सब शुक्ला जी आपके समझ के बाहर की चीज है, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी की बातें है ये सब, वहाँ आप नहीं पहुँच पाओगे अभी, तो इसलिए वो सब सूत्र लग जाते हैं। चलिए देखिए आगे। तो उसकी सूक्ष्मता आदि के निरतिशयत्व को क्या कहना, इसको जो है दिखा रही श्रुति, इस बात को श्रुति दिखा रही। देखो दोनों रूप बनता है, पदभ्याम भी बनेगा पादाभ्याम भी बनेगा, वो दो दो रूप जो है वो आदेश हो जाता है सूत्र से, तो इस तरह से बन जाता है। तो जो है किमु तस्य सूक्ष्मत्वादि निरतिशयत्वं वक्तव्यम्, तो परमात्मा की सूक्ष्मता के विषय में क्या जो है कहना। इत्येतद् दर्शयति श्रुति, इस बात को श्रुति दिखा रही। मंत्र देखिए 15वां। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसंनित्यमगन्धवच्चयत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। अशब्दम् अस्पर्श